तो गाइज़ हम आ चुके हैं जिपलाइन करने, और जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है। मेहरानगढ़ से सेकंड गेट से जैसे ही आप एंटर होंगे तो एक रास्ता जा रहा है नीचे की ओर, वहीं फ्लाइंग फॉक्स जिपलाइन का ऑफिस है, यहां से आप जिपलाइन कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप मेहरानगढ़ आ रहे हैं, मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स है जिसे जिपलाइन बोला जाता है, जिपलाइन कर सकते हैं। सेकंड गेट जैसे आप क्रॉस करेंगे साइड से एक रास्ता जा रहा है और मेंशन कर रखा है हर जगह फ्लाइंग फॉक्स करने के लिए। तो मैं फ्लाइंग फॉक्स के ऑफिस आ चुका हूँ और यहाँ पे इनकी टीम है पूरी, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल टीम है इनकी जो कि जिपलाइन करवाती है। तो अभी हम भी करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ के ऑफिस लेके चलता हूँ और बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से और पता करते हैं क्या 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 टिकट्स है और क्या है ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं। और भी जगह इनकी कंपनीज़ की और भी जगह ये जिपलाइन करवाते हैं, वो सारी डिटेल्स हमें सर देंगे। तो ये सर हैं, क्या नाम है सर आपका? धीरज। तो धीरज जी है जो कि हमें आगे की जानकारी देंगे कंपनी के बारे में, जिपलाइन के बारे में, और सेफ्टी पर्पज से कितनी सेफ है ये सब कुछ ये सर बताएंगे। बिल्कुल। कंपनी का नाम है जिप एडवेंचर टूर प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमारी जो फर्स्ट साइट है वो है नीमराना फोर्ट पैलेस में, जो कि जयपुर दिल्ली हाईवे पे है। अगर दिल्ली से आएंगे तो भी 2 घंटे और जयपुर से जाएंगे तो भी 2 घंटे, हाईवे पे एक फोर्ट है नीमराना फोर्ट वहाँ पे। और दूसरा जो आप जहाँ खड़े हैं जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, जो कि 2010 में शुरू हुई थी। और उसके अलावा एक और है जो कि पंजाब में रोपड़ करके एक जगह है, वहाँ पे कीकर लॉज है, वहाँ पे होती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 लाइन, आप यहाँ मैप देख सकते हैं। फर्स्ट वाली जो लाइन है वो ऑफिस के ऊपर से होती है, और उसके अलावा टोटल 5 और लाइन्स हैं जो कि गार्डन के बाहर, एक रॉक डेजर्ट एरिया है, 2 वाटर बॉडीज़ है उसके ऊपर से आप फ्लाई करते हैं। बेसिकली इस एक्टिविटी को करने में 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है, 1 to 1.5 hours, और 2 कंपनी के इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ में चलते हैं जो कि आपको पूरा प्रैक्टिस ब्रीफिंग वगैरह सब आपकी करेंगे। तो एक इंस्ट्रक्टर टॉप पे रहता है आपको क्लिप करके भेजने के लिए, और एक अदर एंड पे रहता है जो कि आपको अनक्लिप करता है, और पूरी सेफ्टी का ध्यान थ्रू आउट द टूर वो ही रखते हैं। और वाइल डूइंग इट आपको फोर्ट का और ब्लू सिटी का एरियल व्यू आता है, और सेटअप भी इस तरह से किया है कि आप स्टार्ट और एंड एक ही जगह पर होता है। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो हम यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ फॉलो करते हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं दैट इज़ दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रेट्स की बात अगर की जाए तो 2000 रुपीज़ पर पर्सन है अडल्ट्स की, और 1700 है जो कि स्टूडेंट्स और बच्चों की रेट है। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए क्या? ऑनलाइन बुकिंग 24 आवर्स इन एडवांस होती है, उसके लिए एडवांस पे करना होता है, उसमें कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको 15-20% डिपेंडिंग ऑन द सीजन टाइमिंग के कब क्या चल रहा है। कौन सा वेबसाइट? वेबसाइट इज कॉल्ड www.flyingfox.asia। और कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर अगर जोधपुर की, हाँ जोधपुर के लिए अगर ट्राई करना है तो 800-391-5989। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं जिपलाइन करने के लिए, और मैंने ये गोप्रो हाथ पे लगा लिया है, माउंट कर लिया है। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ जिपलाइन करने के लिए, और पहले हमें डेमो दिया जाएगा, उसके बाद में हम जिपलाइन करेंगे। जो ये चीज़ें हैं क्लिपिंग अनक्लिपिंग हम दोनों ही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जो क्लिप हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग हैंड है, पुली के ऊपर आएगा, ठीक है, और पिस्टल हैंड है रोक पे आएगा, बैठ जाएगा, ठीक है, पूरा वेट हार्नेस पे होगा। हाँ जब आप रेडी होंगे मेरे साथ में क्रॉस लेग लीन बैक हेड लेफ्ट, ठीक है, फुट होगा। तो गाइज हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ से अब जिपलाइन करेंगे, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है और काफ़ी मज़ा आया, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो ये रानी सर लेके, हाँ दोस्तों हमारे सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं,
रानी सर लेक है ये। दोस्तों हम हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। Ready, sir? Ready. Go. तो दोस्तों हमने जिपलाइन कर ली है, काफ़ी मज़ा आया। और हमारे साथ सर है जिन्होंने हमें गाइड किया। तो सर अपना नाम क्या है? कुलमान। सॉरी, कुलमान। कुलमान कहाँ से आप? मैं नेपाल से। नेपाल से? नेपाल से हैं। सर ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। और सर है? I'm निश्चल, I'm from हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और सिटी कौन सी है? धर्मशाला। धर्मशाला, अरे यार वहाँ तो मैं जाके आ चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छे से गाइड किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो जब भी आप मेहरानगढ़ आ रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। आपको मैंने नंबर भी दे दिए हैं, ऑनलाइन कैसे बुकिंग करा सकते हैं सब कुछ आपको बता दिया। अगर आप भी आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब कुछ है, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं कायलाना झील, जो कि मुख्य स्रोत है जोधपुर में पानी का। दोस्तों ये देख रहे हैं कायलाना झील, जो कि जोधपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका जो निर्माण करवाया था प्रताप सिंह जी ने करवाया था 1872 के अंदर। और ये जो जोधपुर और जोधपुर के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे पानी का यही मुख्य स्रोत है, यहीं से पानी की सप्लाई वगैरह होती है। काफ़ी लंबी झील है ये, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1872 में। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। ये जो स्पीड वाली बोट है इसका 200 रुपीज़ है। और जो आप देख रहे हैं ये पैसेंजर वाली, जो जिस पर ज़्यादा लोग बैठते हैं, इसके 100 रुपीज़ है। तो इस वाली बोटिंग का 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये स्पीड बोट है, इसका 200 रुपये है। दोस्तों हम आ चुके हैं कायलाना झील में, स्पीड बोट करने वाले हैं। भैया हमें मिल चुके हैं, जिन एक मिनट में अंदर आ जाऊँ पहले। ये भैया को आप पहचान गए होंगे, पावर पैराग्लाइडिंग जैसलमेर में करवाई थी इन्होंने हमें, और इनके साथ इनके साथी है। क्या नाम है भैया, नाम बताओ? कवराज सिंह। और आपका बताओ? उमेद सिंह। उमेद सिंह। करण सिंह। करण सिंह। दोस्तों आप पावर पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं। स्पीड बोट कर रहे हैं। वो बहुत तेज स्पीड है इसकी तो यार। तो इस राइड के लिए स्पेशली उमेद भैया को थैंक यू सो मच, इन्होंने हमें राइड करवाई है ये। और स्पीड बोट, और ये सेकंड है, इसका 100 रुपीज़ है। पहले मैंने आपको बता दिया मोटर बोट बोला जाता है, और स्पीड बोट का 200। और पावर पैराग्लाइडिंग करनी है तो हमारे पास आ जाना, आपके पास। आई बटन में लिंक है, आप वीडियोज़ देख लीजिए इनकी। और सबसे पहले मैंने जो
पैराग्लाइडिंग की थी वो इनसे ही की थी, उसके बाद तो बंजी जंप बहुत सारे एडवेंचर कर लिए उसके बाद, तो शुरुआत इनसे ही की थी मैंने। तो थैंक यू सो मच। सामने की थी पावर्ड पैराग्लाइडिंग, आज की अपने पावर्ड वाली बोट, स्पीड बोट। दोनों सही है, हम सब स्पीड वाले करेंगे, स्पीड वाले। तो दोस्तों ये थी कायलाना झील की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।